आई एम इंडिया टीवी से, मैं शाहरुख खान। इस वक्त जो गेस्ट हमारे साथ में है मोहम्मद सलीम खान सर है, सीबीआई एसपी नागपुर शहर के। में क्राफ्ट का 3 रोज का प्रोग्राम चल रहा था, ऑर्गेनाइज किया था चंद्रशेखर सिंह सर ने। आज के गेस्ट थे मोहम्मद खान सर। तो सर, आई एम इंडिया टीवी पे आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। नागपुर शहर में सर आपका काफी अच्छा काम है, बहुत अच्छा आपका लाइफ का जर्नी है सर। आपने खुद विजिट भी किया, खुद देखा भी, कैसा एक्सपीरियंस रहा था आज आपका? देखिए, कला भारतीय जनजीवन का सदैव ही हिस्सा रही है। कला न केवल हमारी संस्कृति का आईना है, बल्कि पिछड़े इलाकों में, गांवों में ये जीविका अर्जन करने का साधन भी है। जहाँ जहाँ खेती होती है वहाँ भी लोग उस मौसम में जब खेती नहीं की जाती तो छोटी छोटी लोक कलाओं के माध्यम से, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से जीविकोपार्जन करने के लिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए अपने लोक कलाओं का साधन सहारा देते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो और प्रोग्राम हैं वो होते रहने चाहिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी को, नई जनरेशन को, हम अपनी लोक कला के बारे में, हमारी एक जो सांस्कृतिक विरासत है, समृद्ध विरासत है, इसके बारे में हम उन्हें अवगत करा सकें, हम उन्हें परिचित करा सकें और उन्हें इस संस्कृति का संभाग बना के भविष्य के लिए तैयार कर सकें। सर, आर्ट इंडस्ट्री है, संस्कृति है, ये कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही घूमती है, रहती है। आपकी जो इंडस्ट्री है सर, उसमें कहीं पे ऐसा आता है या आपके सब्जेक्ट में कहीं आपने पढ़ा है सर? देखिए, मेरा ये मानना है कि आर्ट और संस्कृति हमारे चारों तरफ है। ये हमें जीवन को देखने का एक नजरिया प्रदान करती है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि मेरे घर में कोई बहुत अच्छी फोटो लगी हो या कोई हैंडीक्राफ्ट का आइटम लगा हो तभी मैं आर्ट से जुड़ा हूँ। नहीं, यदि मैं उसको एंजॉय कर पाता हूँ, उसको अप्रिशिएट कर पाता हूँ, अपने आप को उससे जोड़ पाता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि हम सब आर्ट से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं और इस कारण हम संस्कृति से जुड़े हुए हैं। सर, बच्चे हैं जो आज के युवा, खास जो चंद्रशेखर सर ने प्रोग्राम रखा था आज कॉलेज में, ये युवाओं के लिए था कि वो मोटिवेट हो और संस्कृति को जिंदा रखे और आगे तक पहुंचाए। तो बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? आज मैंने बच्चों का जो उत्साह देखा वो देखने लायक था। उन्होंने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, 3 दिन के प्रोग्राम में उन्होंने इतना सीखा, कई बार उनकी बनाई कलाकृति देख के लग रहा था कि वो महीनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी ने बताया कि नहीं, ये पिछले 3 दिनों से ही बना रहे हैं। इतना अच्छा उनका काम था, मैं देख के मतलब हतप्रभ रह गया। और इस कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम वगैरह ने भी इसमें इतना योगदान दिया, उससे मुझे लगता है कि इस तरह की कला से रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेंगे और हमें बढ़ाना चाहिए, ताकि हम युवा पीढ़ी में ये जो अभी संचार किया है, जो उन्हें एक विरासत सौंपी है, इसको और आगे बढ़ा सकें। सर, पेरेंट्स एक जिम्मेदार होते हैं, आपके भी बच्चे हैं यहाँ पर जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, एज ए पेरेंट्स ही ऑर्गेनाइज कराया है, तो सर पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि बच्चे होता है कि डिजिटल मीडिया की तरफ आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है उनका, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेरेंट्स क्या मैसेज दे सकते हैं? पेरेंट्स के पहले मैं चंद्रशेखर जी को मैसेज देता हूँ कि आगे अगर वो इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो थोड़ा एक वाइड पब्लिसिटी करें ताकि पेरेंट्स तक पहुँच जाए, फिर पेरेंट्स अपने बच्चों तक पहुँचा दें इस बात को। और यदि पेरेंट्स इन सब चीज़ों में अपने बच्चों को लगाते हैं, तो जैसे अभी प्रोग्राम में जो साइकोलॉजी की मैम थी, उन्होंने कहा कि इससे हमारा साइकोलॉजिकल विकास भी होता है और अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको भूल जाते हैं और कला में, इस आर्ट में लग जाते हैं। इस तरह ये एक तरह से आर्ट थेरेपी का काम करती है। तो आज इस कोविड के दौर में जब हमारे बच्चे बड़े तनाव से गुजर रहे हैं, उन्हें ये एक तरह से डी स्ट्रेसिंग के रूप में बड़ा यूज़फुल रहेगा। तो मैं पेरेंट्स को यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों को एनकरेज करें, उनको इस तरह के प्रोग्राम में ले जाएं और उनको इस तरह जोड़ें ताकि वो मल्टीपर्पज़ के रूप में काम आए, वो नई चीज़ सीख भी पाएं और अपना जो तनाव है उससे मुक्त होने का साधन बनाए। सर, अक्सर ये होता है कि बाहर के देश में, बाहर के कंट्री में, वहाँ के आर्टिस्ट को बहुत वैल्यू दिया जाता है, पेंटिंग, स्कल्पचर आर्टिस्ट, हमारे इंडिया में भी है, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स को लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भेजा जाता है प्लेयर्स को। तो आर्ट हमारी संस्कृति है सर, इसको भी गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है कि इसमें कोई बड़े प्रोग्राम ले या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आर्टिस्ट को भेजे?
देखिए मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, वो इसलिए कि ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं तो ये भारत सरकार के एक डिपार्टमेंट ने ही ऑर्गेनाइज किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इससे अनभिज्ञ है या अपनी जिम्मेदारी का उसे भान नहीं है, उसे बहुत अच्छे से पता है, तभी तो चंद्रशेखर जैसे अधिकारियों को यहाँ पे लगाया हुआ है और वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं फिर से एक बार प्रिंसिपल मैडम के लिए कहूँगा कि देखिए उन्होंने एकेडमिक्स से हट के भी अपना समय दिया। नहीं तो कुछ लोग रहते हैं जो एकेडमिक्स पे ही बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उन्होंने एकेडमिक पर से हटके इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया, तो एक तरह से सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए बहुत उपयोगी रहा है, ऐसा मेरा मानना है। सर चंद्रशेखर सिंह सर असिस्टेंट डायरेक्टर है, उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए, उनके साथ उनके टीम ने काफ़ी 3 दिन मेहनत की, आर्टिस्ट को बाहर से बुलाया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं चंद्रशेखर जी को पहले तो बधाई देता हूँ कि उन्होंने भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं बधाई देता हूँ उन सारे लोगों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मैम जिन्होंने अपना प्रिमाइसेस अवेलेबल कराया, अपने रिसोर्सेज अवेलेबल कराए। और मैं आग्रह करता हूँ चंद्रशेखर जी से कि इस तरह के प्रोग्राम बहुतायत में किए जाएँ, और नागपुर के अलावा अगर उनका ज्यूरिडिक्शन आगे दूसरे जिलों में भी परमिट करता है तो वहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं, ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आर्ट हमारी भारत की कला संस्कृति से जुड़ा हिस्सा है जिसमें युवाओं का बहुत बार योगदान रहता है और उन्हें सीखना भी चाहिए, और ख़ास करके हमारी भारतीय कला को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहिए। आई एम इंडिया टीवी से शाहरुख खान, जय हिंद।